आज हम लोग नाइन्थ क्लास का जो है ये क्या है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है नाइन्थ क्लास में, और ये नाइन्थ क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? देखिए इस प्रकार का आपको क्वेश्चन बनता है, रेखांकित को पी वाई पी के रूप में व्यक्त कीजिए। मीन्स इस प्रकार का सवाल रहता है और इसको हम लोग को बटा में यानी पी वाई पी के रूप में लाना है हम लोग को, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह का ये सवाल जो है ना नाइन्थ क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछता है। इतना में से आपका एक निश्चित रूप से रहेगा, देखो ना तीन तीन क्वेश्चन है और तीन में से एक जरूर रहता है, और नहीं तो इसी का सिमिलरिटी में दिया हुआ रहता है, इसी के जैसा ही रहता है। और सबसे आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, देखिए क्या करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या हो जाता है इसका, फर्स्ट का फर्स्ट हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, 0.6 है ना, 0.6 का पावर बार दिया हुआ है। बार मतलब बार बार आते रहना है ना, बार मतलब बार बार आते रहना। तो ये 0.6 का पावर बार दिया हुआ है। पहला नंबर का हम लोग सोल्यूशन करते हैं, क्या दिया हुआ है, 0.6 टू दी पावर बार दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोग को दिया हुआ है बार में, तो ये मतलब हो गया इसका बार बार रिपीट करते रहना, ठीक है। तो हम लोग कैसा सोल्यूशन करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं, माना कि एक्स बराबर, माना कि एक्स बराबर 0.6 का पावर बार। तो बार होता है जब हम बार को हटा दें यहां से, बार को ना लिखें, तो 6 6 6 6 6 रिपीट करना, 6 6 6 6 रिपीट करते रहेगा। मीन्स ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू 0.6666 ये बार में डॉट 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 इनफिनिट तक चला जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन वन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्यों समझना होगा, ये जो है ना पावर बार जितना अंक के पावर में रहेगा उतना ही से गुना करना होता है, मतलब उसका एक वन अंक यानी वन डिजिट पर रहेगा, यानी वो एक अंक पर रहेगा बार, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू डिजिट पर रहेगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और थ्री डिजिट पर रहेगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ वन डिजिट पर है, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसको करेंगे हम लोग क्या, समीकरण वन को, समीकरण वन को 10 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग को 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.666666 डॉट डॉट ये आगे चला जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स ये पॉइंट है ना इधर एक अंक के बाद में सक जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मीन्स आपका कि 10x इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 10x इक्वल टू 6.6666 ये आपका ऐसे खसक जाएगा, ये पॉइंट जो है इधर आ जाएगा एक अंक के बाद। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो दो अंक के बाद आ जाता, ठीक है, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई किए इसलिए एक अंक के बाद आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब लेते हैं अब सेकेंड माइनस फर्स्ट, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड क्या है हम लोग पास में 10x है, फर्स्ट क्या है हम पास में एक्स है, ठीक है। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू सेकेंड में क्या है 6. है ना 6.66666 डॉट डॉट ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका यहां से माइनस फर्स्ट वाला क्या है 0.6666 है ना 6 डॉट डॉट ये हम लोग आ जाएगा। अब माइनस कीजिएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहां से ये 9x मिल जाएगा इक्वल टू, इसको माइनस कीजिएगा देखिएगा मिलेगा हम लोग को 6.0000 डॉट डॉट ये मिल जाएगा। मींस मिल क्या रहा है विद्यार्थी, एक्स इक्वल टू 6 मिल रहा है, ठीक है, 9x इक्वल टू 6 मिल जा रहा है हम लोग का। तो क्या मिलेगा यहां से, इस प्रकार से हो जाएगा आपका 9 9, तो ये आ जाएगा आपका एक्स इक्वल टू 6/9 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 2 3 6 और 3 3 6 9, तो क्या मिला एक्स इक्वल टू 2/3, ये आपका आंसर हो गया। देखिए पी बाई पी ग्रुप में हो गया पी बटा क्यू, तो 2/3 आ गया,
ठीक है, पी वाई के ग्रुप में आ गया हम लोग का ये। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या है यहाँ पे हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहता है। सेकेंड में है 0.047 का पावर 12, 7 पर केवल 12 है, ठीक है। तो क्या बताया कि जितने अंक पर 12 रहेगा उतना ही मतलब 10 से या तो 100 से गुणा करना होगा। एक अंक पर रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, दो अंक पर रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, और थर्ड अंक पर रहेगा थ्री डिजिट पर रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1000 से। तो हम लोग यहाँ पे एक अंक दिया हुआ है तो बस इसी के जैसा इसका सोल्यूशन सेम सोल्यूशन ले लेना है। यहाँ पे देखिए इसका सेकेंड में भी माना कि एक्स बराबर 0.47 का पावर 12 हो गया। उसके बाद बताया कि 12 को हटा दें तो क्या होता है, उसी को रिपीट करता है ना, एक्स को 12 को हटा दें तो 0.047777 ये डॉट डॉट ये आ जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे इसको हम लोग। तो क्या हो जाएगा, क्या बताया कि एक अंक के बाद इसे 10 से गुणा करना होगा, है ना। समीकरण 1 को 10 से यानी 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x = 10.047777 डॉट डॉट ई आ जाएगा इस तरह से। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 10x = ये हो जाएगा यहाँ, ये क्या बोलिए 0.1 अंक के बाद ऐसा जाएगा। अगर 100 से करते तो 2 अंक के बाद आता, लेकिन 10 से करें तो 1 अंक के बाद ऐसा जाएगा यहाँ पे, तो 4.7777 डॉट डॉट ई आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये आ जा रहा है। अब क्या लेते हैं, ये समीकरण सेकेंड हो गया हम लोग का। तो अब हम लोग क्या लेते हैं कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, समीकरण एक माइनस समीकरण दो, तो दो का वैल्यू क्या है, पहले 10x है तो ये हो जाएगा 10x - 1, है ना, तो 1 का वैल्यू x है, यहाँ पे x हो जाएगा। फिर इक्वल के साइड में क्या हो जाएगा, पहले समीकरण 2 का वैल्यू लिखेंगे 7777 डॉट डॉट माइनस 1 का वैल्यू लिखेंगे 0.47777 डॉट डॉट ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोग यहाँ से 9x = इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 7700 हो जाएगा यहाँ 4 और 7 ये देखिए यहाँ पे ये, तो क्या मिलेगा हम लोग यहाँ से 3 मिल जाएगा और 0 और 4 ये 4 मिल जाएगा, इसके बीच में पॉइंट आ जाएगा, बाकी अगर 0 सब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 9x = ये 43/10 लिख सकते हैं, और ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई है ना डिवाइड हो जाएगा, x = 43/90 हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, बार बार आता है ना, इसलिए इसको लेना बहुत जरूरी है ना, कहाँ लेना, माइंड में लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का इसी का सोल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन नंबर में यहाँ 3 डिजिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है, क्या होगा ये 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, बस सेम चीज है, उसमें कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0.001 का पावर 12 ही दिया हुआ है, है ना, बस सेम उसे लेना है। माना कि x = 0.001 पर पावर बार, यानी x = इस बार को हटा दें तो क्या मिलेगा, 0.01001001 तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब 3 डिजिट है, 3 अंक है, इसलिए क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा करेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर
पर संक्रमण को 1000 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, 1000 एक्स बराबर 1000 गुने 001001001 डॉट डॉट ये हो जाएगा। तो ये मिलेगा हम लोग को 1000 एक्स बराबर, देखिए 3 जीरो है ना, तो ये दशमलव जो है 3 अंक के बाद रख सक जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ जाएगा, मीन्स 001.001001 डॉट डॉट ये आ जाएगा, है ना। तो ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर सेकेंड मिल जाएगा। क्या लिखते हैं अब हम लोग, क्या करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये सेकेंड यानी दूसरा माइनस पहला। दूसरा क्या है यहाँ पे, 1000 माइनस एक्स है ना इक्वल टू, ये क्या है 0.01 डॉट डॉट माइनस वन वाला क्या है 0.001001 डॉट डॉट, देखिए 0.001001001 हो जाएगा हम लोग का, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 99x इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा 1, ठीक है। मीन्स ये हो गया स्टूडेंट की x इक्वल टू 1/999, ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस इसी के जैसा एक और सवाल है, क्या है कि आगे में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0.9999 डॉट डॉट इसका मान निकाल, इसी के जैसा लिखना है। तो सेम उसी तरह दिया हुआ है, मीन्स क्या हो गया, ये 0.09 का पावर बार दिया हुआ है, तो इसे ही लिखेंगे। माना कि x इक्वल टू 0.9 का पावर बार हो गया, तो x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट, तो 1 अंक के बाद पावर आया था, बताया था 1 अंक के बाद क्या है, तो 10 से गुना करेंगे, तो इसको समीकरण 1 ले लीजिए। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, गुना करने पर तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 से, यानी 1 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 9.9999 आ जाएगा, इस तरह से समीकरण 2 हो जाएगा हम लोग को। अब क्या बताया थे कि यहाँ पे अब हम लेते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि सेम चीज़ की चीज़ है, इसलिए इसको शॉर्ट बता दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 9/9, ठीक है, x इक्वल टू 9 कट जाएगा, x इक्वल टू 1 आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये सब आते रहता है एग्जाम में और आता ही है ना, इतना इसलिए बताया उसमें से एक निश्चित रूप से आता है, इसलिए जरूरी है कि इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो जल्दी पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, आप समझ लीजिए इसको, है ना, चलिए आप, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।